भाई हमारे एक दोस्त ने हमसे कहा कि तुम दोस्ती आज अब तुमको दोस्ती प्रूव करनी है, और तुम्हारे अगर जीवन की बात आ जाएगी तो पूरी बोतल रख देना। कबीर तो नहीं गए कॉलेज, कबीर नहीं गए स्कूल, लेकिन दिमाग जिंदा है। शिक्षा का काम है दिमाग को जिंदा करना। संगति उस पे प्रभाव डालती है जिसकी मानसिक स्थिति कमजोर है। सिद्धार्थ आज कितना बड़ा नाम है, बुद्ध। पश्चिम के विचारकों ने लाइट ऑफ एशिया कहा। चार चीजें देखी, एक बुजुर्ग आदमी, एक बीमार आदमी, एक डेड बॉडी, एक सन्यासी। सबसे पहला काम आप ये करिए कि आप अपने इस दिमाग को जिंदा करिए। जिस चीज के सामने आप पढ़ते हैं कम से कम उसे जानने की कोशिश करिए। कितनी बार आप रिक्शे पे बैठे होंगे, लेकिन अगर मैं अभी इस क्लास में पूछ लूं कि रिक्शे की शुरुआत किस देश में हुई, तो शायद इस क्लास में बैठा हुआ कोई व्यक्ति बताएगा। क्यूरियोसिटी तो खत्म ही कर दी आपने, जो ज्ञान की माँ कही जाती है, क्यूरियोसिटी। नहीं, इतना शांत होने की भी कोई जरूरत नहीं है, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी बात। सबसे बड़ी बात एजुकेशन का जो रोल है मानव समाज में, बस एक ही रोल है। एक मैकाले के आने के बाद उस रोल में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, उस पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। शिक्षा का बस एक रोल है, बस एक, दिमाग को जिंदा करना, बाकी कोई रोल ही नहीं है। शिक्षा का काम है दिमाग को जिंदा करना। आप कहेंगे कि बेहोश दिमाग कैसा होता है और जिंदा दिमाग कैसा होता है। जब इस देश की जनता समझदार थी, अच्छी थी, तो राम मनोहर लोहिया जैसे लीडर थे, शास्त्री जैसे लीडर थे, ठीक है। तो तुम पहला एक काम करो, तुम एक आदर्श बनो, कुछ करो जो समाज एक्सेप्ट करेगी, वाह जिल्ले इलाही। ये पहली रिक्वेस्ट आज आप जितने लोग इस सेमिनार में मौजूद हैं उन सबसे ये पहला रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस आंख को खोलने की कोशिश करें, अपने मन को जिंदा करो। देखो यार, जिनको देखो, कई लोगों ने हवाई जहाज में सफर किया होगा, आज कम से कम जाके ये पता करो कि रिक्शा पहला किस देश में चला, किसकी खोज है, क्यों है। जैसे लिफ्ट बनी बुजुर्ग लोगों के लिए, ऐसे रिक्शा भी बना था बुजुर्ग और बीमार लोगों के लिए। तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि ये जो आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये सब कोई ऐसा नहीं आपके साथ हो रहा है, प्रभु राम, इसीलिए प्रभु राम है। तपस्या, तप शब्द जो है वो गर्मी से निकला, हीट से। भारत का एक बहुत प्यारा शब्द है तपस्या, गर्मी। एक शराबी रात में अपने घर वापस आ रहा था, तो चिकन की दुकान पे गया। चिकन की दुकान पे उसने चिकन वाले से कहा कि एक चिकन दे दो। उसने कहा खत्म हो गए सारे, एक कच्चा बचा हुआ है। हाँ, उसने कहा कच्चा ही दे दो। उसने चिकन लेके वहां से अपने घर की तरफ चलना शुरू किया। सुन लेना दोनों दिमाग में फर्क। जब अपने घर के बहुत करीब पहुंचा तो बहुत सारे कुत्ते भौंकने लगे उसके ऊपर। उसी में से एक कुत्ता बहुत करीब आया, वो भौंक तो नहीं रहा था लेकिन उसके बहुत करीब आ गया। तो उसने उससे पूछा कि चिकन खाओगे, और खोल कर चिकन उसके सामने रख दिया। वो चिकन खाने लगा, वो उसकी पीठ पे हाथ फेरने लगा, और फिर धीरे से आगे बढ़ते हुए अपने घर पहुंचा। घर पहुंचा तो वाइफ ने दरवाजा खोलते ही डांटना शुरू कर दिया कि फिर आज वही टाइम वही रात। उसने कहा डांट बाद में लेना, पहले खाना खिला दो। उसकी बीवी ने कहा कोई खाना वाना नहीं है, भागो यहां से निकलो। तब तक उसका बेटा अपनी माँ के पास भागते हुए आया, कहा मम्मी मम्मी ये देखो वीडियो वायरल हो रहा है। पता चला मोहल्ले में एक चीता आ गया था, और इस लेडी का जो आदमी था उसने उस चीते को चिकन दिया और उसी के पीठ पे वो हाथ फेर रहा था। और उस वीडियो जो वीडियो वायरल हो रहा था उसमें लिखा था हमारी गली का हीरो। बेहोशी जो है, बेहोशी वो पहचान पैदा नहीं होने देती। और लड़कियों को तो सबसे ज्यादा मेहनत करना है, क्योंकि जितना सम्मान और जितना प्रेम आपको पिता आपका देगा उतना शायद शायद हमारा समाज जो है, समाज की कुछ लक्षण है। हमारे यहाँ समाज में बहुत से बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है। पता लगा आपकी शादी हुई तो माताजी ने कहा हम सुबह 4 बजे चाय पीते हैं। 4 बजे लड़कियों को तो सबसे ज्यादा, खासकर जो मिडिल क्लास के हैं उनको अपने ऊपर सबसे ज्यादा, लड़कों का तो इसलिए मैं लड़कों को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार इसको बोलता भी हूं, किसी भी समाज, किसी भी देश, किसी भी परिवार की जो ताकत है वो उसकी स्त्री पर ही डिपेंड करता है। प्लीज बेटा, प्लीज, थैंक यू सर।
ले लो ये देखो ताकत, इनकी फोटो की, फैसला की फोटो की थी, हमें लगा डांटने आ रही। पहली बार हुआ है। जो चीजें आपके सामने हैं उनके बारे में पता करिए। पढ़ने का मतलब सिर्फ किताब का ज्ञान नहीं होता, पढ़ने का मतलब सिर्फ किताब का ज्ञान नहीं होता। किताब एक बहुत अच्छा माध्यम है मन को जिंदा करने की। कबीर तो नहीं गए कॉलेज, कबीर नहीं गए स्कूल, लेकिन दिमाग जिंदा है। चक्की देख ली चलते हुए, उसी में दोहा बना दिया। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। द्वंद मेन उद्देश्य है इस मन को जिंदा करना। पहले तुम इस समाज के लिए एक आदर्श बनो। जब तुम समाज के लिए आदर्श बनते हो, आदर्श मतलब तुम्हारी कोई ऐसी अचीवमेंट जिसको समाज माने कि अरे क्या बात है। जैसे हमारे देश में एक राजनेता है अरविंद केजरीवाल, फर्स्ट अटेम्प्ट IIT, फर्स्ट अटेम्प्ट IRS, फर्स्ट अटेम्प्ट CM, फर्स्ट अटेम्प्ट PM के लिए भी ट्राई किया था उस आदमी ने। तुम जब तक समाज के लिए आदर्श नहीं बनोगे तब तक समाज तुम्हारी तरफ आएगा नहीं। तुम उसकी चिंता मत करो। ये कोई नहीं पॉलिटिशियन करप्ट नहीं है। तुमने कैसे कह दिया पॉलिटिशियन करप्ट है? इस देश में सबसे अच्छे हैं इस देश के पॉलिटिशियन। तुमने मिर्जापुर सीरीज नहीं देखी? उसमें JP यादव जी कहते हैं ये जनता किसकी है, जिसको 500 रुपए दो उसी के साथ चली जाती है। करप्शन पब्लिक में है, करप्शन पॉलिटिशियन में नहीं है। हम जब पढ़ना शुरू किए तो हमें तो कुछ नहीं आता था, और चले गए IAS की तैयारी करने, और पहले दिन इकोनॉमी की क्लास, और जो टीचर पढ़ा रहा था दुनिया के बेहतरीन टीचरों में से एक, और वो समझा रहे थे GDP रोलिंग एंड दिस। हमें लगा क्या बता रहे भैया। और मैं देखा क्लास में सारे लड़के एकदम तन के बैठे हुए, हिंदू न्यूज़पेपर लिए हुए, और वापस भाग भी नहीं सकते थे। मोहल्ले में सबको बता के आए थे कि भैया IAS की तैयारी करने जा रहे। अब अगर भाग जाते तो बड़ी बेइज्जती होती कि ये कमिश्नर साहब। तो फिर जो कोचिंग का मैनेजमेंट जिसके हाथ में था, बॉस था, मैं उनसे मिलने गया। मैंने कहा सर हमको कुछ नहीं आता। बोले बहुत अच्छा, यहाँ किसी को कुछ नहीं आता। मैंने जब कोचिंग खोली थी तो मुझे भी नहीं आता था, पर आना चाहिए। मैंने कहा जी सर कैसे? तो बोले बेसिक्स से शुरुआत करो। अब तुम्हारा टेम्परेचर 20 डिग्री है, और तुम्हारे साथ जो लोग बैठे हैं, भाई हमारे एक दोस्त ने हमसे कहा कि तुम दोस्ती आज अब तुमको दोस्ती प्रूव करनी है। मैंने कर देंगे, क्या करना है बताओ। कहा कुछ नहीं करना है, एक पीना एक पैग। शर्त लगी है मेरी कि आज मैं अवध को एक पैग पिला के रहूंगा। मैंने कहा बिल्कुल, शाम को मिलो, मैं तुम्हारे लिए 2 पीऊंगा, और तुम्हारे अगर जीवन की बात आ जाएगी तो पूरी बोतल रख देना। बड़ा खुश हुआ। शाम को सब लोग मिले बैठे। मैंने कहा लेकिन आज दोस्ती सिर्फ मैं ही प्रूव नहीं करूंगा, तुम भी करोगे? हाँ हम भी करेंगे। हम गए एक गिलास नाली का पानी निकाल लाए। जब तुम्हारा अंदर की स्टेटस मजबूत है तो संगति तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर तुम हल्के से कमजोर मानसिकता के हो, संगति उस पर प्रभाव डालती है जिसकी मानसिक स्थिति कमजोर है।